दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया है, सुबह के बजे हैं 8 और यहाँ पे पहले तो कमरा सेट किया, इधर उधर सामान पड़ा था वो लगाया, उसके बाद लगा रही हूँ झाड़ू और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा लिया था क्लिप अंदर का और ये है बाहर का झाड़ू लगाते हुए, इधर थोड़ा इधर का ले लिया है क्लिप। झाड़ू लगाई उसके बाद पोंछा लगा लूंगी। थोड़ा थोड़ा क्लिप ले लिया था क्योंकि वीडियो भी काफी बड़ा हो जाता है, इस वजह से काफ़ी कट कर दिया है और यहाँ पे पोंछा लग जाएगा कमरे में। और गर्मी है तो जल्दी सूख जाता है, 2-3 बार लग जाता है। वीडियो में तो नहीं दिखाती हूँ क्योंकि सफ़ेद है ये पत्थर, तो बच्चे इधर उधर आते जाते हैं तो पूरा गंदा हो जाता फर्श, इसलिए तो दिन में 2-3 बार लग जाता है। क्योंकि पंखा का सीधा यहीं पर हवा लगती है तो मैं तो नीचे ही लेटती हूँ, ऊपर बहुत कम लेटती हूँ, उधर कम हवा लगती है, इस वजह से कूलर अभी ख़राब हो गया है। ख़राब क्या, पिछले साल रखा था ठीक, और अब की बार लगाया तो चालू नहीं हुआ। फिर जब ये ठीक कराई उसके बाद कूलर जब लगाया तो वो पता नहीं क्या हो गया, उसमें जाम हो गया क्या, तो उसे भी दिखाना है, तो वो दिखाऊंगी बाद में। और नीचे का है तो बहुत ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी गर्मी तो काफ़ी पड़ने लगी है, तो इस वजह से कूलर को ठीक कराना है। और इधर ये टॉगी लेके आया था लड़का, तो जैसे घूम रही उसी के पीछे पीछे खेल रहे थे ये लोग। मैं बोल रही पोंछा लग रहा है, इधर उधर हो रहे बार बार तुम लोग। टम टम लगाया उसके बाद किचन में लगा लिया था। और इधर डॉगी बहुत क्यूट है, बच्चे बोल रहे थे पाल लो मम्मी घर में। मैं बोल रही टाइम नहीं है इधर, और तुम लोग पढ़ते हो स्कूल जाओगे, इसे कौन देखेगा। अच्छा तो लग रहा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, बच्चे खेल रहे हैं उनके साथ, मस्ती कर रहे हैं। इधर लगा रही थी मैं पोंछा, मैं बोली उधर जाओ आगे, इधर पोंछा लग रहा है सूख जाए फिर आना, क्योंकि पैर पैर हो जाते हैं तो इस वजह से। और वो लड़की छोटी सी उसी के पीछे पीछे लगी घूम रही है। पोंछा लगाया उसके बाद नहाया, कपड़े धुले और इधर आ गई थी किचन में, बना लिए थे पराठे। और सुबह मैंने पराठों के साथ बनाई थी मोटी मिर्चा जो रखी थी वो, प्याज टमाटर बच्चों को दे दिया था, ये अपने लिए लगा रही हूँ थाली। आप तो कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। आस्था फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया था, आज नाश्ता बनाया, नाश्ते में बनाए पराठे और मैंने थाली में अपने लिए निकाल ली है, ये है प्याज और टमाटर और मिर्ची, मोटी मिर्ची की सब्जी और ये पराठे। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग तो सुबह से स्टार्ट किया था, पराठे बनाए तो उसका नहीं बनाया था। उम्मीद करूँगी आप लोग को पसंद आएगा, आप लोग बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना और बताना, पूरा देख के कमेंट करना। तो मिलूँगी नाश्ता करने के बाद आप लोगों से। बर्तन भी मेरे पड़े हैं, ये सुबह के नाश्ता बच्चों ने किया, हस्बैंड ने किया, और ये कढ़ाई है इसमें थोड़ी बहुत है, खाली कर दूँगी। तो ये बर्तन वर्तन धुलूँगी, उसके बाद दोपहर में खाना बनाऊँगी। सोचूँ कि क्या बनाना है आज, तो आप लोग बने रहना, मिलूँगी नाश्ता करने के बाद। किया उसके बाद इधर आ गई थी, बर्तन पड़े थे चाय के थे, बच्चों ने नाश्ता किया, हस्बैंड ने किया, तो ये काफ़ी हो गए थे बर्तन, कढ़ाई उड़ाई थी, इसे साफ कर लूँगी। उसके बाद जो कपड़े धुले थे वो भी सूख गए हैं, क्योंकि गर्मी है तो जल्दी सूख जाते हैं, तो वो भी तय कर लूँगी। तो ये पहले धुल लूँगी बर्तन, उसके बाद कपड़े लगाऊँगी, फिर देखूँगी खाने में क्या बनाऊँगी। मैंने सोचा सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ, काफ़ी दिन के बाद मैंने सुबह से स्टार्ट किया था ब्लॉग, क्योंकि काम तो डेली की हैं, सभी के घर में रोज की हैं, रोज़ रोज़ दिखाओ क्या दिखाओ, तो आप लोग भी बोर होते हैं, तो इसलिए रोज़ सुबह झाड़ू पोछा का दिखाओ तो भी नहीं अच्छा लगता। और वैसे भी नहीं कोई ज़्यादा देख रहा वीडियो, कमेंट करते हैं लोग भाग जाते हैं, तो आप लोग पूरा देखना और कमेंट करना उसके बाद।
धुले थे, बच्चों के हो जाते हैं, हमारे थे, बच्चों के थे, हस्बैंड के थे, कपड़े अगर एक दिन ना धुलो तो बहुत हो जाते हैं, क्योंकि नहाते हैं बच्चे तो कपड़े तो हो ही जाते हैं, तो गर्मी है, पड़े भी नहीं अच्छे लगते बाथरूम में, तो सूख गए थे। तो यहाँ पे लगा लूँगी तैर, एक बज गया था, ये दोपहर का है वक्त, उसके बाद जाऊँगी किचन में, देखूँगी क्या बनाऊँगी, बनाने के लिए और सोचना पड़ता है। हटा देती हूँ मैं क्योंकि बहुत आवाज़ आती है, वैसे इतनी आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब यूट्यूब चालू करो तो बड़ी आवाज़ आती है, तो वॉइस ओवर हटा दी थी। उसके बाद कपड़े लगाए, उसके बाद आ गई थी किचन में, बना रही हूँ कढ़ी। कढ़ी का बच्चों ने बोला कि कढ़ी बनाओ क्योंकि हमारे घर में सभी को अच्छी लगती है कढ़ी, तो यहाँ लिया था बेसन, उसमें डाली हींग और थोड़ा नमक, और ये घोल लूँगी पानी से, तेल रख दिया है, गर्म हो रहा है, पकौड़ी बना लूँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी पकौड़ी क्योंकि बच्चे और कम खाते हैं, तो इस वजह से बनाऊँगी पर इतनी नहीं बनाऊँगी। तो और बेसन अच्छे से फेंट लिया था, तो कढ़ाई में डालते ही फूल रहे थे काफ़ी, अभी मैंने फेंट लिया था बेसन को, तो ये हो गई है, निकाल लूँगी और चावल बनाऊँगी, कढ़ी चावल। वैसे कढ़ी चावल अकेले नहीं बनाते हैं, तो पराठे बनाए थे तो कुछ ना कुछ बनाओ, ऐसा नहीं है, तो कढ़ी चावल बना लूँगी, पहले बनाऊँगी कढ़ी, उसके बाद चावल रख दूँगी, चावल बन जाएंगे, और पकौड़ी होगी तो उसके बाद मेथी और हींग डाल दूँगी, मेथी से भी तड़का लगाऊँगी मैं, वो अच्छी बनती है मेथी डाल के एक बार ज़रूर ट्राई करूँगा, काफ़ी लोग तो डालते होंगे। और इधर मैंने मिर्ची डाल दी थी, लाल जो हरी थी वो लाल हो गई है, तो गर्मी है पीक पाव काफ़ी हो जाती है, इतनी काटी नहीं बीच से मैंने ऐसी डाल दी सब्जी थी, और ऊपर वो तेल से छींटा पड़ रहे थे इतने तेज, वो मैं थोड़ा दूर भागी, उसके बाद पानी डाल दिया था और हींग पे वो हल्दी और लाल मिर्ची थोड़ी डाल दूँगी, पहले तो मेथी और हींग से तड़का लगाया, उसके बाद बेसन मैंने दही में घोल के रख लिया था, दही बहुत खट्टा था काफ़ी, तो इतने में बहुत खट्टापन काफ़ी खट्टी हो गई, तो खट्टी अच्छी लगती है कढ़ी, और खट्टी से अंदाज़ा ये लगता है कि ऊपर इसमें वैसे बबूल बबूल से आ जाती हैं, तो जान लो खट्टा है, काफ़ी अच्छी बनी थी, काफ़ी देर मैंने पकाई इसे, जब उतारती रही जब तक खदक नहीं आई, जब तक उतारी उसके बाद नमक डाल के रख दिया था। यहाँ पे बन गई है कढ़ी, ये देखो पक रही है, काफ़ी देर हो गई मैंने काफ़ी पकाई है, और इधर चावल बन रहे हैं, और यहाँ पे डाल दूंगी पकौड़ी, कढ़ी तो बन चुकी है, तो ये पकौड़ियाँ डाल दूंगी मैं इसी में, पकौड़ी ज़्यादा हमारे घर में कोई कम खाता है सब बच्चे, तो इस वजह से थोड़ी कम बनाई थी मैंने, फिर भी ठीक है खाने के लिए, तो ये चला दूंगी और गैस को कर दूंगी बंद, बंद कर दी गैस, चावल बन जाएंगे, और बच गए हैं दो, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखना, अभी एंड करूंगी बाद में बन जाए खाना उसके बाद, क्योंकि आज मन था कढ़ी चावल बनाने का, तो कढ़ी चावल बना लिए, बनाने के लिए सोचना पड़ता है क्या बनाओ। सुबह मैंने मोटी मिर्चा जो थी वो और प्याज टमाटर की बनाई थी सब्जी, तो पराठे बच्चों को दिए थे बना के, हम लोगों ने खा लिए नाश्ते में, उसके बाद फिर सोचा घिया भी रखी है लौकी, तो वो नहीं बनाई, वो कल बनाऊंगी, आज कढ़ी का मन था तो मैंने कढ़ी बना ली। चलिए मिलूंगी थोड़ी देर में आप। खाना बन गया था, चावल भी बन गए थे, बच्चों को दिया, अपने लिए लगा रही हूँ थाली, खा लूँगी, बच गए थे दो, काम तो काफ़ी हो जाते हैं, इतना बड़ा दिन होता है फिर भी पता नहीं चलता कहाँ निकल गया ये दिन, काम ही करते रहो, लगे रहो, काम कभी ख़त्म नहीं होंगे, आप लोग भी आ जाइए। खाना बन के हो गया है रेडी, बच्चों को दे दिया, बच्चे खा रहे अंदर, मैंने अपने लिए भी थाली लगा ली है, ये कढ़ी और ये चावल, आप लोग भी आ जाइए, और यहीं पर वीडियो का एंड कर दूँगी इसी के साथ।
क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो गया सुबह से, मैंने दोपहर तक का रूटीन दिखाया। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो कमेंट करके बताना कैसा लगा। जो भी चैनल पे आते हैं न्यू, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलूँगी एक अच्छे से एक नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।